दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 23 सितंबर को आयुष्मान भारत स्कीम ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है पूरे इंडिया में। अब उसमें सबसे बड़ा बात यह था, आपको कैसे उस योजना का लाभ मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हर एक परिवार का जो भी एलिजिबल है, जो भी पात्र है उस योजना के तहत, उसका एक गोल्डन कार्ड बनेगा। और वो गोल्डन कार्ड कैसा होगा, कैसे आप बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे और किन किन बीमारियों को इस आयुष्मान भारत योजना के तहत रखा गया है, किन बीमारियों का इलाज आप 5 लाख रुपए तक फ्री में करवा सकते हैं, वो सारी डिटेल आज हम बताएंगे। और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि दोस्तों, गोल्डन कार्ड आपको कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है और उसका लाभ आपको कैसे मिलने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। और मैं हूँ पवन झगड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। और ऐसी आयुष्मान से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अभी कैसे प्रोसेस गोल्डन कार्ड, अगर आप सीएससी चला रहे हैं तो गोल्डन कार्ड कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई करना होगा आपको कस्टमर का, मैं वो भी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सारी चीजें। अब मैं आपको बता चलता हूँ वेबसाइट पर कि आपको कैसे बनवाना है गोल्डन कार्ड। तो चलो हम लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट jhagde.news.com पर। आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप देख सकते हो वहां पर जाकर सारी चीजें। तो आप देख सकते हो यहां से बनेगा गोल्डन कार्ड, तब फ्री में मिलेगा 5 लाख का इलाज। और देख सकते हैं ये गोल्डन कार्ड दोस्तों, पहला गोल्डन कार्ड लॉन्च कर दिया गया, आप ये थंबनेल में देख पा रहे होंगे। ये यहां पर नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, यहां बार कोड होगा और यहां पर एक QR कोड होगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से पात्र यार है या नहीं पता चल जाएगा। पात्र तो होगा, उसी का गोल्डन कार्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी सारी चीजें। तो इस टाइप का गोल्डन कार्ड आपको बनाकर दिया जाएगा। तो चलो हम लोग और डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आना होगा आपका इस वाली वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप या तो jhagde.news.com डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आना होगा सरकारी योजना टैब पर। जैसे आप सरकारी योजना टैब पर आते हैं तो आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत कैसे बनवाए गोल्डन कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाती है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पढ़ के सारी चीजें, आयुष्मान भारत कैसे बनवाए आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, यहाँ से बनवाए गोल्डन कार्ड। आप सभी ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में जरूर जानकारी हासिल कर ली होगी। अगर नहीं की है तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में बता देता हूँ। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फायदे देने वाली स्कीम बन चुकी है। इस योजना के तहत सरकार 10 करोड़ गरीब परिवारों को, जिसमें लगभग 50 लाख है दोस्तों, यहाँ करोड़ नहीं है, 50 लाख, 10 को गरीब, हाँ 50 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा और 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि 10 करोड़ परिवारों का चयन कैसे होगा, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पात्रता जानना चाहते हैं कि आपका परिवार इलिजिबल है या नहीं है, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने इसके लिए पहले से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कैसे पात्रता चेक करें, वहां से चेक करने के बाद आप गोल्डन कार्ड बनवा लें अपना। उसकी सरकार ने एक आयुष्मान भारत नाम से वेबसाइट लॉन्च कर दी है, वहां पर आप जाकर अपनी पात्रता देख सकते हैं कि आपको इस योजना के शामिल किया गया है या नहीं। अगर आपको इस योजना में शामिल किया गया है तो आप इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले एक कार्ड बनवाना होगा। उस कार्ड का नाम है आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड या गोल्ड कार्ड भी कह सकते हैं। ये कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप आसानी से 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जो लोग भी हैं, पात्र हैं, उनको गोल्डन कार्ड बनवाना अनिवार्य है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कहां बनेंगे गोल्डन कार्ड। आयुष्मान गोल्डन कार्ड 2 जगहों पर बनेंगे, जिसमें कि अस्पताल और कॉमन सर्विस सेंटर CSC शामिल है। CSC को शामिल करने का मेन उद्देश्य है कि अगर हम आज भारत की बात करें तो CSC ऐसी संस्था है जो हर गांव तक पहुंच रखती है। अस्पताल की अगर हम बात करें तो वो वहां पर भी आयुष्मान कार्ड बनेंगे, लेकिन गांव के लोगों को उसे अस्पताल काफी दूर होता है। अस्पताल में आपको आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड या गोल्ड कार्ड फ्री में बनेंगे। वहीं बात करें CSC की तो आपको 30 रुपए तक कार्ड का देना होगा। CSC में आपको आपके परिवार के सभी लोगों में पात्रता की भी जानकारी मिल जाएगी। आप आसानी से 30 रुपए देकर यह कार्ड बनवा कर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा पाएंगे। CSC में यह कार्ड आपको 30 रुपए देने पर
वह लेमिनेट कर भी देंगे। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो आपको 5 कार्ड बनवाने पड़ेंगे, ना कि आपका एक कार्ड से काम चलेगा। हर एक कार्ड के लिए आपको 30 रुपए देने होंगे। कुल मिलाकर अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो आपको 150 रुपए खर्च करने होंगे और 150 रुपए खर्च के 25 लाख तक का आप मुफ्त में इलाज करवा पाएंगे। अगर 5 लोगों को जोड़े तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन हजारीबाग जिला अस्पताल में देश का पहला गोल्डन कार्ड बना रेणु देवी नाम की महिला के नाम पहला गोल्डन कार्ड बनाया गया। दोस्तों अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज हो रही, प्रधानमंत्री एक क्यूआर कोड समेत आपके पास लेटर भेज रहे हैं। जो भी एलिजिबल बंदा है उसके पास एक लेटर आएगा, उसमें क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड से आप आसानी से बहुत चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी। किन बीमारियों का होगा इलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए किन किन बीमारियों को इसमें रखा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, अप्रोक्स 1300 बीमारियों के इसमें इलाज आपको करवाएंगे। और भी आप पढ़ सकते हैं सारी बीमारियां, मैंने आप मेंशन की जो जो बीमारियां, आप यहां पर आकर पढ़ सकते हैं सारी चीजें। तो दोस्तों ये आर्टिकल आपको कैसा लगा, कैसा ये वीडियो लगा, तो मुझे जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है मुझको बताइएगा। और जैसे कार्ड अप्लाई होना स्टार्ट होता है आयुष्मान भारत का सीसी सेंटर से, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो ये आर्टिकल आप जरूर से जरूर दोस्तों पढ़ें, क्योंकि यहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी।